फिर आपको लिए चलते हैं असम के खानपारा, जहां पर बीजेपी कोने कोने असम से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने आप को कार्यक्रम को सुशोभित किया। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, यह विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हाका लोके नमस्कार। मित्रों, मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा कैमरा पीछे दिखाएं और दुनिया को बताएं कि जो राजनीतिक दल इतनी बड़ी सभा भी नहीं कर सकती, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन भी इतना बड़ा होता है और इतनी ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जनसभा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन है। मित्रों, ये आप लोगों का अथक प्रयास है जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहां मजबूत बनाया, और यहां मजबूत बनाने के साथ साथ राष्ट्रवादी ताकतों को जो आपने आवाज दी है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत किया है। मैं जब ये कह रहा हूं कि आपने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत किया, आज पार्टी यहां पर मजबूत हुई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेतृत्व के परिवर्तन के साथ और सही पार्टी के सही जगह पर होने से देश और प्रदेश का कितना अंतर होता है, इसको हमको समझना चाहिए। एक समय था जब आपके ही प्रदेश के बारे में चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, असम बाय बाय, अवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, अवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। यानी उन्होंने मान लिया था कि असम चला गया, असम हमारे साथ नहीं रह पाएगा। यह नेतृत्व की कमजोरी थी। उस समय गोपीनाथ जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बचाने में जो प्रयास किया, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाद में गोपीनाथ जी ने जो प्रयास किया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज असम मजबूती के साथ देश के प्रहरी के रूप में खड़ा, और मैं नेतृत्व के बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। यही असम को, यही नॉर्थ ईस्ट को लोग दिल्ली में बैठकर इस तरीके से देखते थे कि जैसे हो तुम किसी और प्रदेश के हो, तुम कहीं और से आए हो। और उस समय का वातावरण इस प्रकार का था जिसमें उत्तर पूर्व की उपेक्षा होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 8 वर्षों में 50 बार उत्तर भारत का दौरा किया और उसको मुख्य धारा में शामिल किया। 50 बार हर मंत्री भारत सरकार का 15 दिन में यहां होता है, उत्तर पूर्व में होता है, मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया है। आज प्रधानमंत्री जी की नीति लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो और पूर्व की तरफ काम करो, इस बात को लेकर के भारत सरकार काम में जुटी है। और मुझे खुशी है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने, पहले सर्वानंद सोनोवाल जी ने और बाद में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने असम को, और नहीं सिर्फ असम को बल्कि पूरे उत्तर भारत को
जो भारत सरकार ने मदद की उसको अक्षरशः धरती पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से कार्यक्रमों को लागू किया है और नीचे तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो प्रदेश को मजबूती प्रदान की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज असम की तस्वीर बदली हुई तस्वीर है, उत्तर भारत उत्तर पूर्व की तस्वीर बदली हुई तस्वीर है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने आपके सामने बड़े विस्तृत रूप में उसको रखा है, मैं उसमें ज्यादा जोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हां, अगर त्रिपुरा का समझौता हुआ, अगर ब्रू रियांग का समझौता हुआ, अगर बोडोलैंड का समझौता हुआ, और ये सारे समझौतों में सांस्कृतिक विरासत, भाषा, सबको समा करके और सबको समायोजन करके शांतिप्रिय ढंग से अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, और धरती पर उसको उतारा है तो अमित भाई शाह ने उतारा है, इस कारण से आज शांति आई। मुझे याद है, मणिपुर जाओ तो बंद, असम आओ तो कर्फ्यू, कहीं जाओ तो बम का गोला, कहीं जाओ तो इंसर्जेंसी, कहीं जाओ तो आत्मघाती दस्ते, कहीं जाओ तो हमारे आतंकवादियों का प्रचंड राज। ऐसे में उत्तर पूर्व में शांति लाने का काम अगर किया गया तो वो दूर दृष्टि रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां रही, और धरती पर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हर संगठन के लोगों के साथ बातचीत करते हुए आज शांति यहां पर विराजमान है। आज विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, कनेक्टिव। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। असम के खान